चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें टॉपिक है आज का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ये कैरी करता है लाइट को, उसी को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो लाइट को कैरी करता है उसी को बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by light, light को जो कैरी करता है उसको हम बोलते हैं वह decomposition reaction जो कैरी करता है लाइट को उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करवाते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है सिल्वर में प्लस क्लोराइड में। क्लोराइड जो होता है वो गैस होता है और सिल्वर जो होता है वो सॉलिड होता है। अब ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है और इसको जब हम सनलाइट प्रेजेंस जब ये सब हम डालते हैं इसमें तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। अब टॉपिक एक आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ये कैरी करता है हीट को, उसी को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, जो वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरी करता है हीट को उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो होता है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है प्लस सल्फर क्लोराइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है। अब ये सब गैस होता है, जैसे सल्फर सल्फेट में ये सॉलिड है, ये जब हम हीट करवाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हुआ, फिर सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 में ब्रेक हुआ, फिर ये SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये देखो क्या होता है, ये रेडी ये ग्रीन कलर का रहता है जब हम इसको हीट किए, उसके बाद ये रेड डिस ब्राउन कलर का हो गया। किस कलर का हो गया ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है सच लाइक एज ये रेड डिस ब्राउन कलर। ये जो ग्रीन कलर से चेंज होता है रेड डिस ब्राउन कलर वो किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। अब एक आता है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये सॉलिड होता है, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में ब्रेक हुआ, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ। ये लेड ऑक्साइड सॉलिड होता है, ये गैस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आता है, ये वाइट कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे इस क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया ये जो सिल्वर क्लोराइड है जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हीट करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन कैसे करता है ग्रे कलर में, ये हम इसमें कौन सा प्रोसेस लगाते हैं उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया था फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब सेकेंड थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये सब रॉन्ग है। तो अभी हम जस्ट नाउ आपको बताए हैं कि जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे और उसमें सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ग्रे कलर वाइट कलर का वो रहता है ग्रे कलर में चेंज होता है। तो किसके फॉर्मेशन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज करेक्ट, ये राइट है। तो अब आंसर देखते हैं, देखो अभी हम बताए हैं जस्ट अभी सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो सिल्वर ये ग्रे कलर का हो जाता है। इसमें फॉर्मेशन करता है सिल्वर मेटल का, जब फॉर्मेशन करेगा सिल्वर क्लोराइड में तो वो व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। देखो व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज ग्रे व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, व्हाइट कलर से कब वो
ग्रे कलर में चेंज होगा, जब फॉर्मेशन करता है सिल्वर मेटल तब वो व्हाइट कलर से चेंज हो जाता है ग्रे कलर में। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।